السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। जला सकती है शमाए कुश्ता को मुझे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। ना पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बहार आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई, बाहर आई अगर गुलशन में तो किस काम की आई। नशीमन साख पे बाकी रहा न दिल ही सीनों में। मोहतरम हजरात, आज मैं उनियारा ने बासफा, शहीदा ने इश्क वफा, वारिसा ने बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु और सराखील आज़ादी के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका कल्ब व जिगर इस्लाम की अजमत से मामूर था, जिनके चेहरे पर अज़्म इस्तक़लाल की किरणें जलवा फिगन थी, जिनका दिल जज्बे जिहाद से शरशार था, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और आला कलिमतुल्लाह के लिए वक्फ कर दी, जिनकी एक तारीख है, जिनकी एक दास्तान है, जिन्होंने हर दौर में इस्लाम की आबियारी की और चमनिस्तान आलम की तरफ बढ़ने वाले हर बाद सुमोम की राह में दीवार आगनी बनकर हायल हो गए हैं। हजरात, इस चमनिस्तान आलम का पत्ता पत्ता बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि यह तबका उन असहाबे फिक्र व नजर वारिसान कल्ब व जिगर का तबका है, जिन्होंने हर दो जिन्होंने तारीख के हर नाजुक मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई और दस्तगीरी फरमाई है। ये उन यारा ने बासफा, शहीदा ने इश्क वफा का काफिला है, जिन्होंने हर दौर में बातिल का मुकाबला किया। जब भी बातिल ने हक को चैलेंज किया है, उन्होंने उसके चैलेंज को कबूल किया और सरबकफ मैदान में आ निकले और जमकर पूरी बेखौफी के साथ बातिल का मुकाबला किया। उन्होंने जाने तो दे दी मगर बातिल को कभी पीठ ना दिखाई। उन्होंने गर्दने तो कटा दी मगर परचम इस्लाम को कभी सर निगो होने नहीं दिया। जब जल्लाद तलवार चमकाता हुआ आगे बढ़ा तो उन्होंने मुस्कुराकर नजर से नजर मिलाई और ये कहते हुए अपने गर्दन को तलवार के नीचे रख दी, खुशा वक्ते के मेरी मौत तेरे कोचे में आ जाए, खुशा वक्ते के मेरी मौत तेरे कोचे में आ जाए, यही तो जिंदगी का आखिरी अरमान है साकी। अलगर्ज उन्होंने हर महाज पर बातिल का मुकाबला किया, हर तरह से मुकाबला किया। जरूरत पड़ी तो गोली चलाई, जरूरत पड़ी तो तलवार चलाई, तलवार फेंकी कलम उठा लिया, जरूरत पड़ी तो अपनी शोला नवाइयों से तूफान तुंदो तेज सरकश व बेबाक का काम लिया, जरूरत पड़ी तो कौम के नन्ने नन्ने नौनिहालों की तरतीब व इस्लाह फरमा कर बातिल के लिए दीवार आगनी और फौलादी लश्कर बना दिया। आज मैं उन्हीं जयालों और सरफरोशान इस्लाम की थोड़ी सी तारीख और अदना सी झलक दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने जंग आजादी में क्या कारनामा अंजाम दिया है और उनका क्या मकाम रहा है। मोहतरम हजरात, जब हिंदुस्तान के इस मुकद्दस सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपने शातिराना व अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदगाने हिंद पर तरह तरह के जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, तो इस नाजुक वक्त में जिसने सबसे पहले आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर رئیس الاولیاء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا ہے جنہوں نے وقت سے بہت پہلے ہی مسلمانوں کے نسب العین کا اعلان کر دیا تھا، جہاں تک دوسروں کو پہنچنے کے لیے ابھی برسہا برس کا انتظار کرنا تھا۔ میرے عزیزو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑی، انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ عظام اپنے خانقاہوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔
और फरंगियों के खिलाफ महाज बनाकर मंजिल के जानिब बे सरो सामाने के आलम में निकल पड़े। और मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, अगर राह रो आते गए कारवां बनता गया। हजरात, ये कारवां तवील मुसाफत तय करते हुए किस तरह मंजिल मकसूद तक पहुंचा है, एक लंबी दास्तां है। इस दास्तां में उमंगे भी हैं और महरूमियां भी, अज़्म अमल का जोश व खरोश भी है और शिकस्त खुर्दगी व बेचारगी की अफसरदगी भी, जिन्होंने शौक की आशिक ताशरी भी और गर्दिश दौरा की कजरवी भी। इस तवील मुसाफत को तय करते हुए मुसलसल उनके पांव लहूलुहान होते रहे। हजारों और लाखों का वजूद गुब्बारे राह बनकर उड़ गया। कभी खारदार झाड़ियों ने, कभी जबर तशद्दुद के खारदार झाड़ियों ने उनके दामन को तार तार किया, तो कभी वहशत व बर्बरियत के पहाड़ उनकी राह में हाइल हो गए। मगर इस बज में जुनू के दीवानों ने हिम्मत नहीं हारी, हादिसात व मसाइब से टकराते हुए मंजिल मकसूद के जानिब बढ़ते रहे। इस बज में जुनू के दीवाने हर रात से पहुंचे महफिल तक, बेताबी उनकी आम हुए सहराओं से लेकर साहिल तक। हाँ संग गिरा पे लिखते थे वो अपने दिले नादा का हाल, हाँ संग गिरा पे लिखते थे वो अपने दिले नादा का हाल, शायद के तलाशे मक्तल में कोई पहुंचे पत्थर का दिल तक। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान मेरे अजीजों, चुनांच सन 1857 ईस्वी की जंग आजादी में दो महाज बनाए गए। एक महाज अंबाला पर, जिसकी क़यादत हजरत मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास थी। दूसरा महाज शामली पर, जिसकी क़यादत हजरत मौलाना हाजी इमदादुल्ला मुहाजर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह के पास थी। इस जंग आजादी में बड़े बड़े उलामा सुलहा शहीद व जख्मी हुए। इसी जंग आजादी में हजरत मौलाना नानौतवी जख्मी हुए, इसी में हजरत गंगोही जख्मी हुए, इसी में हाफिज जामिन शहीद हुए। तारीख में आता है एक कि इस सन 1857 ईस्वी के जंग आजादी में 2,00,000 मुसलमान शहीद हुए, जिसमें 51,500 उलमाए कराम थे। सिर्फ दिल्ली में 500 उलमाए कराम को फांसी पर लटका दिया गया। हजरात, ये वाकया है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आजादी में उलमाए कराम हिस्सा ना लेते तो ये हिंदुस्तान कभी आजाद ना होता। अगर ये सराखीले आजादी ना होते तो तहरीक आजादी ना चलती, तहरीक बालाकोट ना चलती, तहरीक रेशमी रुमाल ना चलती। मेरे अजीजों, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक ना चलती, मुकदमा वहां बयान ना चलता, अंबाला साजिश केस ना बनता। अलगर्ज उलमाए कराम ही ने अपने खूने जिगर से उरूस आजादी की हिना बंदी की है और अपने मुकदस लहू से शजर आजादी को सींचा और परवान चढ़ाया। मेरे अजीजों, अंग्रेज के मुअर्रिख मिस्टर एडवर्ड टॉमसन अपनी याददाश्त में लिखता है कि सन 1861 में 3,00,000 कुरान करीम के नुस्खे को बदबख्त अंग्रेजों ने जलाया। उसके बाद हिंदुस्तान से उलमाए कराम और कुरान को खत्म करने का फैसला किया। टॉमसन लिखता है कि सन 1864 से 1867 तक उलमाए कराम को अंग्रेजों ने खत्म करने का फैसला किया। ये 3 साल हिंदुस्तान के तारीख के बड़े अलमनाक साल हैं। इस 3 साल के अंदर अंदर 14,000 उलमाए कराम को अंग्रेजों ने तख्तेदार पर लटका दिया। टॉमसन कहता है, दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त ना था जिसमें उलमाए कराम की गर्दनें ना लटकी हुई हो। टॉमसन कहता है, उलमाए कराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया। टॉमसन कहता है, उलमाए कराम को सुअरों के खालों में बंद करके जलते हुए तन्नूरों में डाला गया। टॉमसन कहता है, उलमाए कराम को हाथों पर खड़ा करके दरख्तों से बांध कर हाथों को नीचे से जलाया गया। टॉमसन कहता है, लाहौर की शाही मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा लगाया था, उसमें एक एक दिन में 80-80 उलमाए कराम को फांसी पर लटका दिया जाता था। टॉमसन कहता है, लाहौर के दरियावी में 80-80 उलमाए कराम को बोरियों में बंद करके दरिया में फेंक दिया जाता, ऊपर से गोनियों का निशाना बना दिया जाता।
थॉमसन कहता है कि दिल्ली में जब मैं अपने खीमे में गया तो देख मुझे मुर्दार की बदबू महसूस हुई, तो मैं खीमे के नीचे चला गया तो क्या देखता हूँ कि आग के अंगारे दहक रहे हैं और 40 उलमाए कराम को बुलाए हैं, उनके कपड़े उतार कर उस अंगार में डाल दिया गया। मेरे देखते देखते 40 और उलमा को बुलाया गया, उसके बाद मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उनके कपड़े उतारे गए और अंग्रेजों ने कहा, मौलवियों देखो जैसे इन 40ों के हाल, जैसे इन 40ों को पकाया गया इसी तरह तुम्हें भी पका दिया जाएगा, सिर्फ तुम में से एक आदमी ये कह दो कि सन 1857 ईस्वी के जंग आजादी में हम शरीक नहीं थे, हम अभी तुम्हें छोड़ देते। थॉमसन कहता है, मुझे पैदा करने वाले की कसम कोई आलिम उनमें से हिस्सा नहीं था, हर एक आग में पक गए, जल गए, राख हो गए, मगर किसी ने भी अंग्रेज के सामने सर नहीं झुकाया। मेरे अजीजों, ये हमारी तारीख है, हमें इसे जानना है, इसे मालूम करना है कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, सबसे ज्यादा हकदार कौन है। मैं एक शायरी बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आबादी के बाद, क्या बताए हम पे क्या गुजरी है आजादी के बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।